मित्रों, ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन, ये विस्तृत राष्ट्रीय अधिवेशन चुनाव की दहलीज के समय पर हो रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अनेक निहितार्थ, ये राष्ट्रीय अधिवेशन प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से देश भर में वापस जाएंगे। इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी। मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई अपने अपने समय में, हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक, 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। आज ये 60 करोड़ गरीब अपना बैंक अकाउंट भी रखते हैं और डिजिटल इंडिया से एक गरीब महिला अपनी सब्जी भी परचेज कर पाती है, सब्जी भी खरीद करती है। इन लोगों के जीवन में 70 साल तक जो सारी अभाव था, वो अभाव को एक ही 10 साल में समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ये 60 करोड़ लोग अपने आप को देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ पाते हैं। आज ये 60 करोड़ लोग हमारे संविधान की सार्थकता को महसूस कर रहे हैं। 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज, उसको वोट बैंक के नाते एक कांग्रेस और इंडिया अलायंस वालों ने उपयोग तो बहुत किया, पहली बार उनको सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने, पहली बार ये देश का गौरव पूरी दुनिया ने महसूस किया। दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो ना। ये पहचान दुनिया में, विश्व में खड़ी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों आपको कि 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। न केवल महान भारत का स्वप्न देने का साहस, उस स्वप्न को
सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। ये संकल्प पहली बार 140 करोड़ की जनता के सामूहिक संकल्प के माध्यम से आज विश्व के सामने उभर कर आया है और इस संकल्प का एक्नोलेजमेंट भी पूरा विश्व कर रहा है। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर कई सिद्धियां प्राप्त की है, गरीबी से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, जातिवाद से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, तुष्टिकरण से मुक्ति। इस देश का लोकतंत्र कई सालों तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण के नासूरों से ग्रसित रहा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को समाप्त करकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्तव्य से, अपने कर्तृत्व से देश की पूरी जनता को एक सामूहिक हीन भावना थी, इस सामूहिक हीन भावना को, एक मास इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त करकर हम भी कर सकते हैं, हम ही करेंगे, एक गौरव के साथ दुनिया के सामने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया। ये शुरुआत आजादी के दूसरे दिन होनी चाहिए थी, परंतु जब तक कांग्रेस रही, जब तक इंडिया अलायंस वाले रहे, इसकी कल्पना भी नहीं की मोदी जी ने गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति के लिए 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया और जनता ने पलक पावड़े बिछाकर इसका स्वागत किया और आज गुलामी के प्रतीकों से हम मुक्ति पा रहे हैं। उग्रवाद और आतंकवाद, नक्सलवाद इस देश को 4 दशक से परेशान करता था। मोदी जी के 14 से 24 के कार्यकाल में उग्रवाद और आतंकवाद और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। भाई और बहनों, मोदी जी के शासन ने कई विरोधाभास खत्म कर दिए। एक समग्रता से सोचने वाला नेतृत्व, एक नीति के आधार पर चलने वाला नेतृत्व, एक युग दृष्टा नेतृत्व किस तरह से काम करता है, इसकी मिसाल कायम की है। पूरे आजादी से कालखंड सरकारों की मीमांसा इसी तरह से होती है। ये सरकार किसानों की सरकार है या उद्योगपतियों की सरकार है? ये सरकार किसान कल्याण करेगी या इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी? मोदी जी ने बता दिया, किसान कल्याण भी हो सकता है और अर्थतंत्र भी पटरी पर आ सकता है, दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं। सालों तक बहस का बंटवारा रहा, ये सरकार गांवों की है या शहरों की, ये भी विरोधाभास रहा, या तो आप गांव का विकास कर सकते हो या शहर का कर सकते हो। मोदी जी ने ये भी सिद्ध कर दिया, गांव दुनिया में सबसे अच्छे गांव बन सकते हैं, गांव से कोई पलायन नहीं होगा और शहर भी दुनिया में सबसे सुविधापूर्ण शहर बन सकते हैं, स्मार्ट सिटी बन सकते हैं, ये सिद्ध किया। गरीब कल्याण और अर्थतंत्र का विकास, दोनों के बीच में भी बहुत बहस चली। कई बार कई सरकार, कई अर्थशास्त्री, कई पंडित कहते रहे कि जो अर्थशास्त्र का मतलब अर्थतंत्र का विकास करना है तो गरीब कल्याण को छोड़ना पड़ेगा। मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं,
हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देना, हर गरीब को सभी प्राथमिक सुविधाएं एक साथ दे देना और अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला देना, वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, आज एक संदेश लेकर जाइए यहां से, 130 करोड़ की 140 करोड़ की जनता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए, हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ये संदेश लेकर हमने जाना है। इसी तरह से एक द्वंद्व चालू रहा कि विदेश नीति अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो देश की सुरक्षा में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा बहस का विषय आजादी के बाद तुरंत शुरू हुआ और सारे पंडित सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच के द्वंद में फंसते रहे। मोदी जी ने तय कर लिया और कर दिखाया कि सरहद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है और आज ये करने के बाद, देश को सुरक्षित करने के बाद मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्तावित किया। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सूत्र को उन्होंने नीचे लिखा। मित्रों, इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी किस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दी, देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर करना आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टिकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, आज मैं आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव दो खेमे पड़े हुए हैं। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करने वाला करना है। ये परिवारवादी पार्टियां चाहिए, ये भ्रष्टाचार की पोषक पार्टियां चाहिए, तुष्टिकरण करने वाली पार्टियां चाहिए, और देश के लिए जान नौछावर करने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी चाहिए। मित्रों, ये जो अलायंस हुआ है, अलायंस ऐसे ही नहीं होता है। अलायंस जब सोच समान हो, विचार समान हो, सिद्धांत समान हो, तब होते। ये इंडिया अलायंस जो बना है, ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में। मैं आज आपको कह सकता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है और इस देश में भ्रष्टाचार का पोषण भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। मित्रों, 10 साल यूपीए के ले लीजिए, कॉल ब्लॉक आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड का घोटाला, हिमाचल में सेबों की बिक्री का घोटाला, INX मीडिया का घोटाला, एयरसेल मैक्सिक का घोटाला, अंतरिक्ष देवास का घोटाला, लैंड फॉर जॉब का घोटाला, पंचकुला और गुड़गांव में भूमि आवंटन का घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, एम्ब्रियर डील,
बेसिक ट्रेनर विमान में घोटाला, हॉक एयरक्राफ्ट खरीद में घोटाला, सबमरीन का घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला, जीप घोटाला, मारुति घोटाला और भोपाल गैस कांड से चंदा उगाहने का घोटाला। ये कांग्रेस पार्टी हमारे यहां ऐसा कहते थे कि किसी भी तत्व का व्याप आकाश, भूमि और पाताल तक होता है, मगर इन्होंने तो आकाश से भी आगे जाकर अंतरिक्ष में भी घोटाला किया, भूमि से आगे जाकर पाताल में खदानों का भी घोटाला किया और समंदर को भी नहीं छोड़ा, वहां सबमरीन का भी घोटाला कर दिया। जब नल थल अंतरिक्ष हर जगह एक कांग्रेस ने घोटाले किए और इंडी अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, किस प्रकार की सरकार, एक और लाखों करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस है और दूसरी ओर 23 साल से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मुखिया रहने के बाद भी हमारे विरोधी भी एक कानी पाई का आरोप न लगा सके, ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी का नहीं। देश की जनता ने, मित्रों, देश की जनता ने तय करना है कि देश का भविष्य ये भ्रष्टाचारियों के हाथ में सौंपना है या नक्सिक प्रामाणिक व्यक्ति जिस पर दुश्मन भी आरोप नहीं कर सकते, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को सौंपना। और मित्रों, एक कहावत है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। जब कांग्रेस पार्टी इतना भ्रष्टाचार करती है तो साथी भला क्यों बाकी रहेंगे। आम आदमी पार्टी, आबकारी जकात का घोटाला, लोगों के उपचार में मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, ढेर सारे घोटाले किए, लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी घोटाला किया और आज उनका सारा नेतृत्व कोर्ट से भागता है, कोर्ट से भागता है, एजेंसियों से भागता है। झारखंड में एक एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया जब्त होता है। छत्तीसगढ़ में महादेव के नाम से जुआ खिलाने का एक घोटाला आता है। डीएमके के मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपया बरामद होता है। तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के घर से अनेक करोड़ रुपया, 55 करोड़ तो एक ही स्थान पर से मिलते, अनेक करोड़ रुपयों का, सैकड़ों करोड़ के घोटाले बाहर है और लालू जी सजा आपता है और अभी भी एक एक नई नई भ्रष्टाचार की एफआईआर उन पर हो रही है। मित्रों, पूरा इंडी अलायंस ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में घमंडिया गठबंधन ये पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त। देश की जनता ने तय करना है भ्रष्टाचार के दूषण को समाप्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट देना है या भ्रष्टाचार ही जिनका धर्म है ऐसे इंडी अलायंस को मत देना है। ये देश की जनता ने तय। मित्रों, परिवारवाद, अभी ढेर सारे पत्रकार, कुछ मीडिया चैनल इंडी अलायंस बड़ा चैलेंज। अगर मुझे कोई कहे कि इंडी अलायंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडी अलायंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। डेमोक्रेटिक अलायंस, डेवलपमेंटल अलायंस और डायनेस्टिक अलायंस के बीच में देश की जनता को पसंद करना है। मुझे विश्वास है कि एक और मोदी जी देश के और गरीबों के विकास के लिए काम करें और दूसरी ओर
अपने परिवार की चिंता करने वाली पार्टियां है, देश निश्चित रूप से विकास की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सिलेक्ट करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। देखिए साहब, इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मित्रों, इस देश के अंदर 2G 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, ना जी वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हश्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हश्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है, वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे इसका महत्व है। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी होती तो एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लोकतंत्र के अंदर मित्रों, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है, सबको समान अवसर मिले, सबके अंदर ईश्वर दत्त शक्तियां जो पड़ी हैं, वो ईश्वर दत्त शक्तियों के आधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है और किसी दल में। भाई और बहनों, मोदी जी एक गरीब परिवार से, गरीब मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गरीब परिवार से इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पूरे विश्व में देश को सम्मान दिलाया, गौरव दिलाया, प्रस्तापित। इस देश की राष्ट्रपति एक जनजाति परिवार से आती है, जनजातियों में भी अति पिछड़ी जातियों में से राष्ट्रपति मुर्मू जी आती है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी की बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सभी आदिवासियों का सम्मान। इस देश का उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा, खेत जोतने वाले का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बना है। मित्रों, मैं खुद कह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता, और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ये सहूलियत उपलब्ध है, क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर रखा है। मित्रों, ये परिवारवादी पार्टियां जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करती है, वो देश का कल्याण नहीं कर सकती, केवल और केवल राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी ही देश का कल्याण कर सकती है। मित्रों, इस देश में जब से हमारा संविधान बना, हमारे संविधान के अंदर पंथ निरपेक्षता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। ये देश आज से नहीं,
हजारों सालों से पंथ निरपेक्षता के आधार पर, बिन सांप्रदायिकता के आधार पर चढ़ता रहा, चलता रहा। राज्य का कभी कोई धर्म नहीं होता है, सबको अपना धर्म बनाने की, मानने की और उसका अनुसरण करने की छुट्टी भी है, मुक्ति भी है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की रचना करने के लिए संविधान की उदात्त भावनाओं में भी विकृति डालकर पंथ निरपेक्षता को तुष्टिकरण की राजनीति से दूषित किया। मित्रों, मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा, एफिडिएट पर नकारा, बाद में उनको एफिडिएट वापिस ले, ट्रिपल तलाक का कानून जो केवल और केवल महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का कानून है, इसका आपने विरोध किया। यूसीसी जो कांग्रेस के समय में ही संविधान निर्माता एक लक्ष्य देश के लिए रख कर गए थे, उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाई, कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, धारा 370 जब संविधान बना तब एक तय था कि टेम्पररी का मतलब है उचित समय पर उसको हटा देना, मगर 70 साल तक उचित समय आया नहीं। धारा 370 के कारण कश्मीर के अंदर अलगाववाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़, पाकिस्तान को अंदर पैर रखने की भूमि मिली और 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए, मगर तुष्टिकरण की राजनीति ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया। इस देश की जनता ने मोदी जी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर एक नए युग के साथ आगे बढ़ा। PFI पर बैन हमने लगाया, तब भी कांग्रेस और इंडी अलायंस के लोगों ने टेढ़े मेढ़े बयान किए। दक्षिण भारत की महान परंपरा, तमिलनाडु की महान परंपरा, पवित्र सेंगोल को हमने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तापित किया, इसका भी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने विरोध किया। ये जहां भाजपा विजयी होती है उन राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहते हैं। ये लोग संविधान पर पहला अधिकार, देश के खजाने पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है ये मान्यता रखने वाले हैं। मोदी जी का कहना है देश के खजाने पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछड़े। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस का सर्टिफिकेट देते हैं, भगवा आतंकवाद के नाम से पूरे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। और मित्रों, अंतिम चरम सीमा तो तब आ गई जब 550 साल के बाद इस देश में उत्सव का क्षण आया। रामलल्ला का प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले थे, रामलल्ला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास ने कांग्रेसियों को भी निमंत्रण भेजा, मगर उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करना तय माना, इसको ठुकरा दिया। मैं आज यहां से कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूं, आपने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा कर केवल ये ऐतिहासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कतराए हैं, आपके देश के महान बनने की प्रक्रिया से अपने आप को दूर कर लिया है। देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रख रही है। मित्रों, खैर वो आए ना आए, भारतीय जनता पार्टी तुष्टिकरण में नहीं मानती है। मैं आज इस महान अधिवेशन के सामने कहना चाहता हूं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में भी बहुमत समाज ने अपनी श्रद्धाओं के निर्वहन के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी है। 75 साल तक हम कानूनी लड़ाई लड़े और संपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से हमने राम मंदिर का निर्माण किया, इसका संपूर्ण यश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है।
भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वाले, ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वाले हम पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अस्थिरता फैलाती। मैं तो ज्यादा जवाब नहीं देता, मगर चुनाव का समय आया है, जनता के सामने सच रखना चाहिए। मैं आज ये कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी की कभी से, जब से इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, तब से ना लोकतंत्र में श्रद्धा है, ना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में श्रद्धा है। इन्होंने न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, चुनाव आयोग, कैग जैसी सभी संवैधानिक संस्थाओं का धज्जियां उड़ाने का काम किया है। इमरजेंसी ये आपकी ही देन थी साहब, आप भूल जाते हो। पूरे देश को जेल खाना बना कर रख लिया था, पूरा विपक्ष जेल के अंदर बंद था। और आर्टिकल 356 सरकारें तोड़ने का जो रिकॉर्ड, आज से मैं बहुत सोच समझ कर मेरा स्टेटमेंट करता हूं, आज से 100 साल बाद भी कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा, इतनी सरकारें आपने गिराई। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने 90 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया, 50 बार अकेली इंदिरा गांधी जी ने किया, 40 क्षेत्रीय दलों की सरकार एक कांग्रेस पार्टी ने गिराई, 3 केंद्र की सरकार चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर जी, देवगौड़ा जी और गुजराल, ये 4 सरकारों को गिराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मित्रों, ये हमें कहते हैं जुडिशियरी कोई फैसला देगी, न्याय करेगी, तो इस पर टिप्पणियां कर जुडिशियरी को डराते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को याद कराता हूं, 1973 में 3 वरिष्ठ जजों को कुदाकर, जस्टिस सैलत, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े को कुदाकर आपने ANRAY को सर्वोच्च न्यायाधीश बनाया, क्योंकि आप रायबरेली का फैसला आपके खिलाफ आ गया था। मित्रों, हमने कभी जुडिशियरी के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र नहीं किए। मित्रों, कांग्रेस पार्टी इस देश में अस्थिरता की जनक है, और स्थिरता अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, अभी अभी देश में हम चुनाव में जा रहे हैं, हिंसा कहां होती? मैं आज देश के मीडिया को भी कहना चाहता हूं, हिंसा की बात आप करते हैं, कौन से राज्यों में चुनावी हिंसा होती है? कौन से राज्य में पॉलिटिकल हिंसा होती है? मैं आज देश की जनता को गिनाना चाहता हूं, केरल हमारे 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शहीद हो गए, 300 से ज्यादा कार्यकर्ता अपाहिज हो गए, किसका शासन है? इंडिया अलायंस का शासन है। बंगाल सैकड़ों कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए, हमेशा चुनाव में धांधली, गपलेबाजी और हिंसा होती रही, किसका वहां राज है? ममता दीदी का राज है, इंडिया अलायंस का राज है। बिहार में भी जंगल राज था, तब 100-100 किलोमीटर दूर मतपेटियां मिलती थी, किसका राज था? इंडिया अलायंस का राज था। यूपी में भी चुनाव का रेगिंग होता था, हमारी सरकारों में कभी रेगिंग नहीं हुआ, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हिंसा की भेंट चढ़े, कईयों ने तो जान गंवाई, कई अपाहिज हुए, कईयों के घर जल गए। हम तो हिंसा के भुक्तभोगी है, हिंसा फैलाने वाला गठबंधन अगर कोई है तो एक घमंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस का शासन था, आजादी के वक्त कांग्रेस ही देश की ओर से नेगोशिएट करता, तब ही देश का विभाजन, और आज भी कांग्रेस की विभाजनकारी प्रवृत्ति राजनीतिक फायदे के लिए कम नहीं हुई। अभी अभी कांग्रेस के नेता ने कहा कि इस देश के 2 टुकड़े होने चाहिए, खुलेआम देश के 2 टुकड़े करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस स्टेटमेंट से कन्नी भी नहीं काटती है, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी
इसका समर्थन करती। मां भारती का अपमान करने वाले जॉर्ज पुनिया का कांग्रेस के राजकुमार आशीर्वाद लेते हैं। जॉर्ज सोरेस जो भारत विरोधी है वो उनका समर्थन करता है। कोयम्बतूर बम ब्लास्ट को इंडी अलायंस इसके गुनेगारों को रिहा कर देती है और कांग्रेस के नेता पाकिस्तान में जाकर मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगते हैं। जब धारा 370 मोदी जी ने हटाई, राहुल गांधी का 370 के समर्थन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में कोट अनकोट कर शर्म करो कांग्रेसी, आपके देश के खिलाफ आप विदेश में जाकर बोलते हो, देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद, देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो और धारा 370 जैसी महत्वपूर्ण चीज को आपने पाकिस्तान को यूएन में हथियार देकर देशद्रोह का एक उदाहरण सेट किया है मित्रों। और मैं देश की जनता को कहता हूं, ये विभाजनकारी प्रवृत्ति जो आजादी के वक्त थी वो आज भी वहां पर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मित्रों, अभी एक कांग्रेस के सहजादे को किसी ने एक भाषण लिखकर दे दिया है। उनका तय है हर भाषण वो 9 महीने तक बोलते ही रहेंगे, 9 महीने के बाद स्क्रिप्ट बदलता है, ये तय है उनका। अभी उनके हाथ में ओबीसी का भाषण किसी ने थमा दिया है। हर जगह ओबीसी पूछते हैं, हर सवाल ओबीसी के लिए। मैं इनको कहना चाहता हूं, भाई अच्छा ट्यूटर रख लो, अच्छा शिक्षक रख लो, और कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी के लिए क्या किया है उसका जरा अध्ययन कर लो। आप जो बोल रहे हो वो आपके ही खिलाफ जा रहा है। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं, 1957 में काका साहेब कालेकर कमिटी ने पिछड़ों के लिए रिपोर्ट दिया, कांग्रेस पार्टी ने इसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया। मंडल आयोग बना 1980 में, मंडल आयोग को इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई, विपक्ष के नेता के नाते राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया। और मित्रों, ओडिशा में और जवाहरलाल जी ने 1951 में जातिवादी सर्वे का विरोध किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? मैं पिछड़ा समाज की बात करता हूं, बड़े गौरव के साथ बात करता हूं मित्रों, हमने इस देश को गौरव हो इस तरह से अति पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। आज देश में पहला मंत्रिमंडल ऐसा है मोदी जी का जिसमें 27 मंत्री ओबीसी है। राज्यों को ओबीसी की सूची का संशोधन करने का अधिकार मोदी जी ने दिया। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मेडिकल इंजीनियरिंग के दाखिलों में 27% आरक्षण पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। ओबीसी की छात्रवृत्ति में 33% की वृद्धि नरेंद्र मोदी जी ने की। आईआईटी में ओबीसी छात्रों की ट्यूशन फी को माफ करने का निर्णय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नीट की परीक्षा में ओबीसी बच्चों का पहली बार अगर आरक्षण हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसियों में 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये जितनी भी गरीब कल्याण की स्कीमें बनी है उस सब में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो दलित, पिछड़ा और ओबीसी भाई है। राहुल गांधी, आप हमें क्या ओबीसी का कल्याण सिखाते हो? हम तो समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलते हैं। जो पिछड़ा है उसको ज्यादा मिलता है, जो अकड़ा है वो अपने आप अपना शहर जाने देता है। मोदी जी ने इस देश की जनता का आह्वान किया, जिनको सुख है, संपत्ति है, ईश्वर की कृपा है, वो अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दे। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस की सब्सिडी अपने आप त्याग करी। मोदी जी ने करोड़ों गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस देने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर
जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण को समाप्त कर दिया। इसके आधार पर राजनीति करते थे, इसके आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते थे। उनका स्वप्न ये चार आधारों पर सत्ता हथियाने का स्वप्न मोदी जी ने चूर चूर कर रख दिया। अब इस प्रकार के कलुषित मैंडेट वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज 10 साल में देश महान भारत, विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहा है। दूर दूर तक सत्ता प्राप्ति की संभावना आज घमंड या गठबंधन को नहीं देखती है, इसके लिए वो लोग डिनायल मोड में आ गए, हर चीज में विरोध करते। धारा 370 और पहलों और महिलाओं को अधिकार देने के कई मौके आए, वे विरोध करते रहे। तीन तलाक का विरोध किया, ओबीसी कमीशन का विरोध किया, कश्मीर में गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी कई सारे व्यवधान खड़े किए। हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का सीए का बिल, इसका विरोध किया। एक देश एक टैक्स जीएसटी का विरोध किया। दलित को राष्ट्रपति बनाना, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाना आपने आम सहमति नहीं होने दी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने भारत की सेना के पराक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तापित, आतंकवाद के सामने एक कड़ा मैसेज दिया। आपने उस वक्त भी, राहुल बाबा, आपने उस वक्त भी देश से साक्ष्य मांगे थे, शर्म करो, शर्म करो, सेना के जवान की शहादत पर आप साक्ष्य मांगते हो। मित्रों, भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया, 100 से ज्यादा देशों में हमारा वैक्सीन गया। वैक्सीन के माध्यम से आज 140 करोड़ का देश कोरोना से सुरक्षित हुआ। उसको भी मोदी वैक्सीन कर आपने बदनाम करने का प्रयास किया, मगर देश की जनता ने भी, आज भी कोई वैक्सीन लेने जाता है तो कहता है मोदी वैक्सीन दे दो भाई, मेरी इम्यूनिटी खत्म हो गई। डिजिटल इकोनॉमी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसका विरोध किया। नई संसद बनाई, इतनी भव्य संसद देखकर आज पूरी देश की जनता पुलकित है, गौरवान्वित है, इसका भी आपने विरोध किया। कर्तव्य पथ बना, आपको राजपथ नाम अच्छा लगता था, कर्तव्य पथ का भी विरोध किया। भारत मंडपम में कोर्ट से उसको रोकने का प्रयास किया, यशो भूमि को भी रोकने का प्रयास किया। डाटा प्रोटेक्शन का विजनरी बिल, इसका भी विरोध किया। और अंत में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का भी आपने विरोध किया। मित्रों, एक कांग्रेस डिनायल मोड में आ चुकी। पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहता हूं, 5 साल का पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस का हिसाब किताब निकालिए। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबे और बहिष्कार के अलावा कुछ नहीं किया। हम भी विपक्ष में रहे, 10 साल तक बैठे, आगे पूरा जीवन विपक्ष में। हम रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते, अच्छा है उसका समर्थन करते थे, और आपके भ्रष्टाचार को भी हमने उजागर किया, मगर आपने क्योंकि भ्रष्टाचार है नहीं, बाहर जाना ही उचित समझा। मित्रों, इंडिया अलायंस अहंकार से युक्त है, वो सहन ही नहीं कर सकते। वो ऐसा मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री वो ही बन सकता है जो बड़े परिवारों से आता है, वो सहन नहीं कर सकते। एक गरीब मां का बेटा और देश का प्रधानमंत्री बनकर देश को चला रहा है, ये अहंकार उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े। ये परिवारवादी राजकुमार सारे के सारे इकट्ठा होकर हमारा विरोध कर रहे। मोदी जी ने 40 से ज्यादा नीतियां बनाकर इस देश को नीतियों के आधार पर चलाने का काम किया। मैं पूरी सूची बोलना नहीं चाहता मित्रों, पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, ऐसी पूरी दुनिया मनमोहन सिंह सरकार को कहती थी। आज मोदी सरकार ने हर क्षेत्र की 40 से ज्यादा पॉलिसी बनाकर, पॉलिसी के आधार पर शासन कैसा हो सकता है उसका उदाहरण पूरी दुनिया में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, भारत माता की, मित्रों, मैं और आप, हमारे नेता के वखान करें,
पत्रकार भी कहेंगे, एक घमंडिया गठबंधन भी करेगा आपको ऐसा ही करोगे, मगर मैं आज देश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर, मोदी जी को आशीर्वाद देकर अपना समर्थन जताया है। आज देश के 70 राज्यों में, 17 स्टेट्स में एनडीए की सरकार है, 58% हिस्से पर जिसमें 57% आबादी है वहां एनडीए का रूल है। गुजरात में हम लगातार 6 चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में 21 सालों से शासन में है, गोवा में 3 बार जीते, उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते, उत्तराखंड में 2 बार जीते, हरियाणा में 2 बार जीते, अरुणाचल में 2 बार जीते, आसाम में 2 बार जीते, त्रिपुरा में 2 बार जीते, मणिपुर में 2 बार जीते और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी 3-3 टर्म तक मैंडेट मिला था और फिर से चौथा मैंडेट छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता ने दिया है। बिहार, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, वहां एनडीए को बार बार आशीर्वाद मिला। मित्रों, ये जनादेश जो है वो मैं मानता हूं मोदी जी का परिश्रम, मोदी जी की नीतियां, मोदी जी के परफॉर्मेंस पर 140 करोड़ की जनता का ठप्पा है जो इंडिया अलायंस को नहीं दिखाई। भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, अभी अभी इंडिया अलायंस वाले के जो नेता है कांग्रेस पार्टी, एक भारत जोड़ो यात्रा निकली, तोड़ना तो निवेदन तो आपके भारत तोड़ने के हैं, भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी भी पार्टी के कार्यक्रम और यात्राएं, राजनीतिक कार्यक्रम, वो पार्टी का परिचय करा दे। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन किए, सत्ता में वापिस आने के लिए किए, भारतीय जनता पार्टी का 1950 से इतिहास है। हमने जब भी आंदोलन किए, देश के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए, जनता के लिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए, हमने 370 हटाने का आंदोलन किया। गोवा बचाओ का आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया। कच्छ का सत्याग्रह भारतीय जनता पार्टी ने किया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आंदोलन जनसंघ ने किया। आपातकाल के विरोध में हम लड़े। आसाम में घुसपैठियों के खिलाफ हमने पूरे देश को मोबिलाइज किया। राम जन्मभूमि का आंदोलन भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अडवाणी जी के नेतृत्व में हमने आवाज उठाई। तेलंगाना आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया और सबरीमाला का आंदोलन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। हमारी पार्टी ने कभी भी सत्ता प्राप्त करने के लिए आंदोलन नहीं किए हैं, जनता के परेशानियों के लिए किए, सिद्धांतों के लिए किए और देश को सुरक्षित। अब हम सब ने देश की जनता के सामने जाना है, देश की जनता को स्पष्ट बताना पड़ेगा। एक ओर ये परिवारवादी पार्टियां हैं और दूसरी ओर एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है, आप किसको पसंद करें। एक ओर 60 साल से भ्रष्टाचार की गंगा जिस पार्टी से बहती है वो कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल से शासन में होने के बावजूद भी कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगा, ऐसा नरेंद्र मोदी है। एक और तुष्टिकरण की राजनीति करने वाला एक घमंडिया गठबंधन है और दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी है, आप किसको सिलेक्ट करोगे। एक और कुछ बनने के लिए राजनीति में आए हैं और दूसरी ओर भारत माता को सर्वस्व समर्पित कर पूरा जीवन देकर काम करने वाले व्यक्ति है। एक और हर साल 3 महीने विदेश में वैकेशन करने वाला नेतृत्व है और दूसरी ओर 23 साल से एक भी छुट्टी न देने वाला कर्तृत्व मान नेतृत्व। एक और दिशा विहीन राजनीति है, दूसरी ओर एक युग दृष्टा नेता के नेतृत्व में महान भारत की रचना को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है।
देश की जनता को हमने बताना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हर भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना जागृत की, हर युवा को आजादी के आंदोलन से वाकिफ कराया है, और 75 वर्ष की सारी सिद्धियां इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी देश की जनता के सामने रखी है। और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद जब अमृत काल में शताब्दी तक पहुंचेंगे, तब महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता के मन में प्रत्यारोपण किया है। मित्रों, बहुत बड़ी बात है, एक सामूहिक चेतना, एक सामूहिक संकल्प, और संकल्प को सिद्ध करने का सामूहिक पुरुषार्थ इतने बड़े देश में जागृत कोई और ही कर सकता है। मित्रों, हमारा नेतृत्व, हमारा नेता संवेदनशील है। मोदी जी संवेदनशील है, हम सब जानते हैं, जनता की तकलीफों को जानते हैं, जनता की भावना को समझ, एक युग दृष्टा नेता है, वो कर्मठ है, कठोर परिश्रम करते हैं, कठोर निर्णय लेने में भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, चीन के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। नोटबंदी गरीबों के कल्याण के लिए, नोटबंदी यही नेतृत्व ने की, विश्व मित्र की भारत की छवि भी हमारे नेता ने ही बनाई। वैक्सीन के माध्यम से 100 से ज्यादा देशों के कोरोना काल में उन्होंने बढ़ा। मातृशक्ति को भगवान की तरह भक्ति से पूजा करने वाला नेतृत्व बहुत सालों बाद देश को मिला है। विधानसभा और संसद में 33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और जाति की कल्पना जो सदियों से इस देश में थी, इसको समाप्त कर गरीब, युवा, महिला और किसान, ये चार वर्ग को समाहित कर 7 अर्थ में संविधान की स्पिरिट को मोदी जी ने नीचे उतारा है, नीचे तक उतारा है। मैं मोदी जी को जानता हूं, मोदी जी दीपक की लौ की तरह है, जो खुद जलकर अंधेरों को काटने का काम करते हैं। जिस तरह से दीपक की लौ कभी नीचे नहीं जा सकती, उस तरह से मोदी जी का काम और विचार भी उद्वगति वाले हैं, वो कभी नीचे की ओर नहीं आ सकते। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के ये उद्वगति वाली सोच, उद्वगति वाली कर्मठता और उद्वगति वाले परिश्रम से ही ये देश 2047 में महान भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा, और पूरी दुनिया गौरव से देखती रहेगी भारत माता की जलहल होती हुई छवि को, और सम्मान करेगी। एक और मैंडेट देश की जनता के सामने बड़ी विनम्रता के साथ मांगे कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल 140 करोड़ की जनता की सेवा करना है और देश को महान करना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं सकता। मित्रों, इस प्रस्ताव को आप सभी लोग पूरे देश में लेकर घर घर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अंत में फिर से एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज के साथ भारत माँ का जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।